मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बातें करना है, तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे हो फ्रेंड्स। सो गाइस, तो अभी हो चुका है शाम का टाइम, और शाम के टाइम मैं यहाँ पे बना रही हूँ सैंडविच, क्योंकि लगभग सबको भूख लगी हुई है और हम लोगों ने दोपहर में चावल दाल और चिकन खाया हुआ था। लेकिन शाम के टाइम क्या होता है ना, अब दिन बड़ा, शायद दिन बड़ा हो रहा है, पता नहीं रात बड़ी हो रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन मम्मी बोलती ठंडी के मौसम में ना रात बड़ी होती है, दिन छोटी होती है, तो पता नहीं बहुत सबको तेज भूख लगा होती है। यहाँ पे मैं सैंडविच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे आपको देख सकते हो प्याज व्याज सब चीज, और यहाँ पे पड़ गया ब्रेड कम, तो जस्ट अभी ऋषिका गई है ब्रेड लाने के लिए शॉप पे, तो लेके आती है। तब तक मैं सोची चलो फटाफट में ये सब तैयारी कर लेती हूँ, और आएगी तो फटाफट सैंडविच बना लेंगे। और हाँ, अभी तो मैंने सैंडविच का मशीन भी मैंने नहीं निकाला है। तो चलिए गाइस, मैं फटाफट पहले निकाली हूँ, और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा भी लगे तो कंटिन्यू आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग खूब सारा सपोर्ट, खूब सारा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी क्या करिए, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिलहाल तब तक कुछ देर के लिए, तो आप लोग मैं दिखाती हूँ कि मैं सैंडविच कैसे बनाती हूँ, ठीक है? और अगर आपको पसंद हो सैंडविच बनाना, तो आप इस तरह से जरूर बनाइएगा, और टेस्ट करके मुझे बताइए कि आप लोग को भी सैंडविच बनाने का तरीका मुझे कैसे लगा, ठीक है? तो चलिए गाइस, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा प्याज को फ्राई कर लिया है तवे पे, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे टमाटर भी तवे पे फ्राई करे, क्योंकि कच्चा ना किसी किसी को पसंद नहीं पड़ता है, तो इसके वजह से मैं थोड़ा सा हल्का सा टमाटर को पका लेती हूँ मैं, ताकि खाने में भी टेस्टी लगे। और यहाँ पे मैं सैंडविच, तो यहाँ पे मैंने मतलब इसमें ना ब्रेड में मैंने बटर भी लगा लिया है, और चीज़ भी बस स्लाइस करके डाल रही थी, तो सो ऐसे बनता है। और इसके बाद से फिर मैं इस पर रख दूँगी, और फिर थोड़ा चीज़ को मैं काट दूँगी, बस हमारा सैंडविच बन के रेडी हो जाएगा। सो गाइस, तो यहाँ पे हम सैंडविच को बना के रेडी हो चुका है। फटाफट सैंडविच बन के रेडी हो चुका है, और यहाँ पे हम लोगों ने चाय भी बना ली, क्योंकि चाय मुझे सैंडविच से बहुत ज़्यादा पसंद है, और शाम के टाइम तो चाय में पीती हूँ, क्योंकि चाय प्लीज पता है क्या होता है, सर दर्द कम होता है, क्योंकि जब जस्ट कुछ देर पहले मैं सो के उठी हूँ ना, तो जब चाय पी तो थोड़ा सा मन एकदम फ्रेश हो जाता है। और हमारा सैंडविच बन के रेडी हो चुका है, अभी नहीं हुआ, अभी और होगा, तब तक फिलहाल मैं चाय ले लूँ एक गिलास भर के, आप लोग देख सकते हो एक गिलास से थोड़ा सा कम है, ठीक है? तो कौन कौन एक गिलास भर के चाय पी रहे बताइएगा, जरूर कमेंट करो। मुझे पता है कि चाय नुकसान करता है, लेकिन तभी मैं पीती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं पीऊंगी तो ये सर दर्द जाएगा नहीं, और पता नहीं क्यों उलझन सी होती है। सो चलो कंटिन्यू आप लोग ब्लॉग में बने रहो, और हम लोग मिलते हैं आप लोगों से सैंडविच फटाफट खाने के बाद से। तो ये है सैंडविच, और साथ में गर्मा गर्म चाय, तो ठंडी के मौसम में बहुत मज़ा आ जाता है। और यहाँ पे आ चुका है टमाटो सॉस, वैसे मैं टमाटो सॉस नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं। एवरीवन, सो गाइस, अब हो चुका है नाइट का टाइम, और मतलब खाना बनाने से पहले तो मैंने अपने सर में थोड़ा सा हेयर ऑयलिंग किया, क्योंकि ना गाँव में जाने के बाद से मैं तेल तो बहुत लगाना टाइम हो चुका था, तो आज फाइनली मैंने सर में तेल लगाया। और मैंने एक अमेजोन से तेल मंगाया हुआ, उसको मैंने पहले ट्राई करती हूँ, अगर मेरे हेयर फुल कंट्रोल होंगे तो फिर आप लोग को भी बताऊंगी मैं कौन सा ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। हालांकि मतलब उसका मैंने रिव्यू चेक किया तो बहुत अच्छा रिव्यू था, तो सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। और बेंगराज और मेथी दाने का ऑयल है, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा बालों को काला करने के लिए भी, और हेयर फुल कंट्रोल करने के लिए भी। तो बस, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी डिनर, यानी डिनर में बन रहा है आलू और बैंगन की सब्जी, और रोटी बन चुका है वैसे, तो बस यही है। और रात के बज चुके हैं 9:30, तो बस अभी बच्चे पढ़ाई करें, तब तक मैं खाना बना ले रही हूँ। लगभग खाना बन चुका है, बस सब्जी के लिए हम वेट करें, सब्जी फटाफट बन जाए, उसके बाद सब लोग खाना पीना खा कर फिर रेस्ट करेंगे। सो चलिए कंटिन्यू आप लोग ब्लॉग में बनी रहिए। और अभी यहाँ पे हो रहा है मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि रिचा और बच्चे सब बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, रिचा पढ़ा रही है उन लोगों को, और ये तो अभी घर पर नहीं है। तो चलिए कंटिन्यू ब्लॉग में बनी रहिए, ब्लॉग को खूब सारा सपोर्ट, खूब सारा प्यार दीजिए, और वीडियो को खूब सारा शेयर भी किया करिए। बस, तो यहाँ पे हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, और यहाँ पे बाबू रेडी हो रहा है। बाबू गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ पे देखिए कैप सॉक्स सब पहन लिया है, और ठंडी बहुत ज्यादा है दिल्ली में, तो नहीं मुझे 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 मुझे
नानी के घर, नानी घर अब 6 महीने बाद जाना। अभी भी नानी का आ नहीं जा रहा। नहीं होता है बच्चों लोग के साथ में। सो गाइस, तो यहाँ पे हो चुका था मॉर्निंग के टाइम, और मॉर्निंग टाइम में मैंने मूली पराठा बनाया था, और यहाँ पे मैं रिचा को सिखा रही थी कि मूली पराठा को हमेशा ऐसे सर्व दिया जाता है किसी को खाने के लिए। सो और ठंडी के मौसम में ना पराठा खाने का मज़ा ही कुछ अलग ही होता है ना। सो गाइस, तो अब हो चुका है लंच का टाइम, और यहाँ पे मैंने लंच भी कर लिया है। अभी जस्ट मैंने ना लाइट ऑफ किया था, तो जस्ट मेरा लंच भी हो चुका है, बच्चे ने भी खाना खा लिया, रिश्का ट्यूशन भी चली गई, और बाबू पढ़ के भी आ गया है, तो लगभग सबका फिनिशिंग हो चुका है लंच। और अब जा रही हूँ मैं, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर आप लोगों से मिलूँगी मैं कुछ देर बाद। और आज बहुत सारा कपड़ा भी वॉश करना है। और देखो, हमेशा रिश्का यही करती जाती है, पढ़ने के लिए दरवाजा ओपन करके छोड़ देती है ऐसी। और अब तो ठंडी हवा भी चल रही है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग रही है। सो चलिए मैं फटाफट पहले कुछ पानी पी लूँ। और हाँ, मुझे बताइएगा आप लोग, ठंडा के दिन में ठंडा पानी कौन पीता है? पूरी ठंडी मैं पीती हूँ। मुझे गर्मी के मौसम में भी ठंडी पानी चाहिए, और ठंडी के मौसम में भी ठंडी पानी चाहिए, तो ये मेरी आदत है। मैं कितना भी, मतलब आप लोग मुझे कितना भी कर लो, ये मुझे डांटती भी है कि तुम ठंडा पानी मत पिया करो, गला पकड़ लेगी, लेकिन मैंने जब तक ठंडा पानी नहीं पीऊँगी ना, तब तक मेरा मन ही नहीं भरता है। तो नाइट हो दिन हो, चाहे कितनी ठंडी में ठंडा पानी पीऊँगी पीऊँगी। और ये तो अभी से गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दिए हैं। आहा, ठंडा पानी पीने मतलब संतुष्टि अलग ही होती है। सो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से कुछ देर बाद। क्या कर रहे हो? होमवर्क क्या बना रहे हो? और ये पता है क्या करता है? मोबाइल में से देखता है, पता नहीं क्या क्या चीज देखता है। अब कुछ देर पहले उठा था मोबाइल, मम्मी एक मुझे थाली चाहिए, थाली पे जाकर फटाफट लिया, फिर इसमें से पानी ले रहा है, पता नहीं क्या कर रहा था। तो ये हमेशा मोबाइल में देखते कुछ नए नए टिप्स अजमाते रहता है। और देखिए जस्ट अभी फिर कैंडल ढूंढ रहा है, पता नहीं कैंडल क्या करेगा, इसके दिमाग में कुछ कह नहीं सकते। ये लो सॉक्स पहनो फटाफट पैर में, चलो होमवर्क निकल, होमवर्क फटाफट कम्प्लीट कर लो। क्या इसके आ जाने के बाद से ना घर में लगता है कि घर में कोई बच्चा आ गया। नहीं नहीं बहुत अच्छा लगता है, आता है तो। और शैतानी इसकी स्कूल, देखो देखो जब जाता है स्कूल तो सर घर लगता है वाह बिल्कुल शांत हो गया, और घर स्कूल आ जाने के बाद से फिर घर में तहलका मचाना स्टार्ट। तो बच्चों से यही होता है, घर भरा भरा लगता है, और जब नहीं रहते तो फिर पूरा पूरा घर सुना सुना लगता है। नहीं नहीं नहीं, तो एक होता है ऐशिका, तो ऐसी नहीं है, लेकिन ये है शैतान। इसका मेरी समझदार बेटी है, आप तो बदमाश बेटा हो। नहीं आप भी समझदार बेटे, मेरे दोनों बच्चे बहुत समझदार हैं। सो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से कुछ देर बाद। तो बातें करती तो बस आप लोगों से बातें करती रहती हूँ। यहाँ पे देखिए समझदार बेटा मेरा सॉक्स पहन रहे, गुड बेटा गुड। मम्मी के एक एक बात पे कह रहे हैं तुरंत बेटा मेरा पहन लेता है। नहीं बाबू इसका आप अपना दिखाओ, इसका अपना दिखाओ, वीडियो बना रहे। हाय गाइस, ये देखो मेरे दादी दादी से ड्राइंग हो गया। अच्छा आप क्या पढ़ाई कर रहे हो क्या? हाँ हम पढ़ाई करने बैठ गए। पेंसिल कहाँ है आपका? पेंसिल कहाँ है? वाह पढ़ने के टाइम में पेंसिल का। लॉलीपॉप खा रहे हो? हाँ लॉलीपॉप आप भी खाओगे गाइस। अच्छा खिलाओगे इसको? अब यहाँ देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे रानी क्या कर रही। रानी ठंडी आ गई क्या? हाँ गर्मी लग रही है तो आपको तो ऐसे ही भी ठंडी लगती है। और आपको क्या ठंडा पानी के गर्म पानी से धो रही? ठंडा का पानी से ट्राई कर रही हूं। टोपी ओपी सब घर में भी? टोपी बाप बहुत ठंडी गिर रही है यहाँ पे, तो दिल्ली में बहुत ठंडी पड़ रही है। बैक कैमरा अच्छा नहीं होता है, फ्रंट करिए ना जी।
एवरीवन, सो गाइस तो फाइनली आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर साथ में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, और फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बातें करना है, तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में बातें करूँगी। और मुझे आप लोगों से पूछना भी, सजेशन भी लेना है कि मैं क्या करूँ, तो वो मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में पूछूँगी। और आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। सो चलिए गाइस, मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, और वीडियो खूब सारा शेयर कीजिए। बाय बाय, बाय बाय बोल दो, बाय 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 गाइस, बाय बाय गाइस।